Again, I am back with our everyday routine of uh, market talks with Pinnacle. So, we are starting off from where we left yesterday. If you can see, and if you remember, even the arrow marks on the screen are exactly the ones which we left yesterday as it is. If you do not identify this, my suggestion would be. टू गो बैक एंड वॉच येस्टरडेज़ वीडियो अगर आपको ये सब चीज़ें आज याद नहीं आ रही हैं तो बेटर है आप आज से पहले कल का वीडियो एक बार देख लें तो आपको अच्छा एक कॉन्टेक्ट समझ में आएगा कि हम लोग किस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो आज काफ़ी एक अच्छा ही अच्छा सा दिन रहा आज लग रहा था डेट एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पे लग रहा था कि मार्केट uh, नीचे जाएगा बट वॉट हैपन वॉज़ कल का जो लो पॉइंट था ऑलमोस्ट वहीं से एक अच्छी बाइंग स्टार्ट हुई एंड जो डे एंड हुआ वो ऑलमोस्ट डे हाई पे हुआ तो अगर टेक्निकली समझिए तो कल जो दिन था उसके एग्जैक्ट अपोजिट दिन आज था कल हम लोग खुले थे अराउंड 18,260 और क्लोज हुए थे अराउंड 18,150 आज हम लोग खुले अराउंड 18,150 एंड क्लोज हुए अराउंड एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी के लेवल पे और अगर आप देखें तो ध्यान से फिर से वही लेवल जो हम लोग बात कर रहे थे आज जो लेवल हमने दो दिन पहले बात की थी कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा तो आज काफ़ी देर तक पूरे दिन उस लेवल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइट चलती रही जब ये फ़ाइट चली इवेंचुअली एंड ऑफ डे बुल्स जीते ये बड़े कैंडल के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अगर देखें कैसे कोई लेवल इम्पॉर्टेंट बनता चला जाता है अगर एक ही लेवल पे बार बार बाइंग या सेलिंग होती कल हमने ये 260 का लेवल डिस्कस किया था और आज देखिए एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर हमें एक रेजिस्टेंस मिला अब कल कहाँ खुलता है ये हमें देखना होगा बट इन दी एंड नाउ वॉट यू नीड टू रिमेंबर is एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सिक्सटी अगर आपको लॉन्ग जाना है तो एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी नहीं बोलिए एटीन टू एटी के ऊपर हमें लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग टारगेट होगा अगेन एटीन थ्री फिफ्टी के आसपास सो so, ये एक छोटा इंट्राडे टारगेट हो सकता है बियॉन्ड दैट अगर ये एटीन थ्री फिफ्टी के ऊपर वापस हम लोग रिक्लेम कर लेते हैं तो समझिए इंडेक्स वापस से न्यू लाइफ टाइम हाई की ओर जा सकता है तो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ले रहेगा 18,260 एंड टू से द लीस्ट 18,210 अगर ये दोनों लेवल्स हम लोग होल्ड कर लेते हैं तो वी कैन सी गुड मूव इवेंट टुमारो 18,210 अगर होल्ड नहीं होता है देन वंस अगेन वी कैन स्लाइड डाउन टू वन एटीन सिर्फ वही नहीं मे बी दिस टाइम वी मे इवन स्लाइड लोअर 18,000 के लेवल को दोबारा से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर है तो इसीलिए अभी इस लेवल को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है मार्केट में क्योंकि थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट्स जो होंगे उन्हें निकलना पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट्स अगले मंथ के लिए शॉर्ट कवरिंग करें रोल ओवर लेने को रेडी होंगे सो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कल परसों क्या होती है मार्केट में व्हाट हैपन्स टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो बट अगेन लेवल्स इंपॉर्टेंट एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड उसके ऊपर एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी एक बार फिर से टेस्ट हो सकता है एंड अ क्लोज अबव एटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी कैन बी गुड फॉर द बुल्स ऑल्सो सबसे बढ़िया चार्ट अगर देखें तो बैंक निफ्टी का है अगर आप ये रेंजेस मार्क करें हम लोग पिछले कई दिनों से इसी रेंज में चल रहे हैं कल हमने क्लियरली बोला था कि हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से इस रेंज को रिक्लेम करेगा आप अगर अभी भी सोच रहे हैं कि ये रेंज ये बॉक्स हमने कब कहाँ कैसे बनाया तो आप वापस से एक बार कल का वीडियो देखें एंड नॉट ओनली दैट आई होप आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं अगर आप अभी भी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन फाइंड द टेलीग्राम लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स है फेसबुक पेज भी है इंस्टाग्राम भी है टेलीग्राम में हर सुबह मॉर्निंग कमेंट्री आती है हर रोज सुबह जिसमें आपको लेवल्स मेंशन किए हुए रहते हैं तो आज अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया रही है और ये वापस से जिस रेंज जो बोलेंगे 42,400 का जो रेंज है 42,400 से 42,550 का जो रेंज है उसमें वापस घुस चुका है तो मे बी फोर्टी को वापस से एक बार टेस्ट करेगा और टेस्ट करके अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हो सकता है हमें एक नया लाइफ टाइम हाई वापस से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है सो so, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज्यादा लेवल्स नहीं है 42,400 है एंड अगेन 42,240 बस यही दो लेवल है जो हमें देखने हैं अपसाइड में 42,550 अगर कोई बड़ा पोजीशन आना है तो उसके ऊपर ही आएगा और अब हम लोग आते हैं एक स्टॉक जो हमने कुछ दिन पहले बात की थी एल जो कि वी हैड क्लियरली हिंटेड दैट इट कुड परफॉर्म गुड इन कमिंग फ्यू डेज़ तो आज इसने एक अच्छा मूव दिखाया है एंड इफ़ यू कैन सी बहुत ही सिंपल बहुत से लोग बड़े बड़े इंडिकेटर्स की बात करते हैं uh, मैं चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखता हूँ ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स मुझे आते नहीं बट आई हैव ट्राइड एवरी थिंग बट आई स्टिल बिलीव इन सिम्पलिसिटी तो आप अगर ये सिंपल सा ट्रेंडलाइन हम लोगों ने उस दिन भी बनाया था आप देख सकते हैं तीन चार दिन पहले के एक वीडियो में है मार्केट टॉक्स के तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे एक अच्छा सा पुल बैक सस्टेन करने के बाद एक बढ़िया फॉलोअप रैली हमें देखने को मिल रही है तो अभी भी इसमें पोजिशन बनाया जा सकता है एंड इसमें हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है अगेन आई विल रिपीट दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन दिस इज जस्ट जस्ट माई व्यूज बेस्ड ऑन वॉट एवर आई सी ऑन द चार्ट यू एक्चुअली वॉन्ट टू इन्वेस्ट प्लीज डू योर ड्यू इंटेलिजेंस डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और जो भी है अपने तरफ से आप पूरा आश्वस्त हो लें कि आप इसमें पैसे अपने लगा सकते हैं नेक्स्ट हम लोग जो आज हमने एक इंट्राडेट रेड लिया था एच डी एफ सी बैंक का एच डी एफ सी बैंक का सिर्फ एक इंट्राडेट रेड था तो बहुत ही सिंपल पैटर्न था अगर आप देख सकते हैं आपके सामने एच डी एफ सी बैंक का फाइव मिनट का चार्ट था हमारी एंट्री जस्ट थ्री रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ हमने वन फाइव नाइन थ्री पे एंट्री करी थी और स्टॉप लॉस वॉज अराउंड वन फाइव नाइन ज़ीरो तो यहाँ पे जब काफ़ी देर तक इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था देन वी एक्सपेक्टेड अ बाउंस एंड आप देख सकते हैं वी गॉट अ मोर देन decent बाउंस फॉर इंट्राडे फ्रॉम 1593 to 1603 टू के आसपास का लेवल तो दस रुपये इंट्राडे के लिए बहुत है ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न हमें और सिमिलर ट्रेड हमें एच डी एफ सी में भी देखने को मिला तो आप देख सकते हैं सेम पाँच मिनट का कंसोलिडेशन था और यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को हमें मिला था तो ये पैटर्न्स मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि कल को आपको फिर से अगर आप ऐसे पैटर्न देख सकें तो आपको समझ सकें कि आपको क्या करना है या इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं आज हमने इंट्राडे में एक ट्रेड लिया था एच ए एल एच ए एल एक अलग ही बुल मार्केट में चल रहा है तो आप देख सकते हैं दो दिन के करेक्शन के बाद कल इसने एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया था एंड आज इसने आज के हाई कल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया हमारी एंट्री वहीं बन गई अगर आपको याद होगा हमने एंट्री दी थी टू सिक्स सिक्स एट पे तो उसके ऊपर हमारी एंट्री बनी एंड उसको रीटेस्ट करते हुए एक अच्छा खासा फॉलोअप मूव हमें मिला टू सेवन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का टारगेट हमने दिया था पहला टारगेट उसके ऊपर और एक परसेंट हमें और मिल गया सो इट वॉज द स्टॉक ऑफ द डे बहुत ही बढ़िया ट्रेड था तो अगर इस टाइप का सेटअप आपको कभी मिले हमेशा याद रखिए आपके लिस्ट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होने चाहिए वीक स्टॉक्स नहीं होने चाहिए वीक स्टॉक्स होने चाहिए बट उनका एक अलग लिस्ट होना चाहिए जिनको जरूरत पड़ने पे आप शॉर्ट कर सकें तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आई होप यू लाइक द वीडियो तो वीडियो लाइक करें अपने कमेंट्स लिखें ज़रूर एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स हमारा डेली सेगमेंट आई एम ट्राइंग टू कम रेगुलरली मे बी इट्स अराउंड टेन ट्वेल्व डेज जो हम मैं रेगुलर आ रहा हूँ तो आगे भी कोशिश करूँगा सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू